आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिनस्ट्रीट पे। तो आज के इस वीडियो के हमारे हीरो हैं डोजकॉइन और शिबायू। जी हाँ बिल्कुल, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं इन दोनों क्वाइंस के बीच का कि कौन से बेटर हैं, किसका क्या मतलब है। तो चलिए वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही जो आपको वहां पे घंटी दिख रही है ना, वहां पे भी आप क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर शिबा इनू वर्सेस डोजकॉइन को। कौन सी बेस्ट क्रिप्टो करेंसी है जिसको आप इस साल यानी कि 2022 में बाय कर सकते हैं, एंड किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्रिप्टो करेंसी जैसे कि हमें पता है बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ चुका है, लेकिन 2022 में बहुत ज्यादा बिग डिबेट हो रहा है इसके सराउंडिंग्स को लेकर, इन दोनों पॉपुलर शिबा इनू एंड डोज क्वाइंस को लेकर के, क्योंकि दोनों ही बेस्ड है इंटरनेट मीम डॉग्स के ऊपर। सो इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो भी स्काई रॉकेट होती हुई देखी गई है, एंड इवन एलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया है एक पॉइंट पे कि डोज क्वाइन जो है वो मून पर जाने वाली करेंसी हो सकती है। तो ऐसे ही नहीं, अगर एलोन मस्क ने बात की है तो जरूर कुछ ना कुछ खास तो होगा इन मीम क्वाइंस में। लेकिन इससे पहले कि आपने जितनी भी सेविंग की है वो आप इन मीम क्वाइंस में डाल दें, इन्वेस्ट कर लें, इससे पहले आपको श्योर कर लेना चाहिए कि कौन सी बेस्ट है और किसको आपको एक्चुअल में बाय करना चाहिए, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और यही चीज बताने के लिए आज मैं आपके सामने हाजिर हुई। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डोज क्वाइन की, जिसे डोज भी कहते हैं। तो डोज एक सेम टेक्नोलॉजी का यूज करता है जो टेक्नोलॉजी यूज करता है बिटकॉइन। दोनों ही डोज क्वाइन एंड बिटकॉइन जो है ये दोनों यूज करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस प्रोटोकॉल का, ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए इनके नेटवर्क्स की। तो लेकिन अगर डोज क्वाइन की बात करें तो पॉसिबली ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके एवरीडे पेमेंट्स के लिए, क्योंकि इसकी जो ट्रांजेक्शन स्पीड है वो बहुत जल्दी प्रोसेस होती है, इसकी प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा फास्ट है और वो भी लो कॉस्ट में ये आपको करके देता है एज कंपैरिजन टू बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन से। हाउएवर अब डोज क्वाइन जो है ये एक एग्जैक्ट क्लोन नहीं है बिटकॉइन से। डोज क्वाइन इसके अलावा जो है इसकी बहुत ज्यादा लार्ज सर्क्यूलेशन सप्लाई है एज कंपेरिजन टू बिटकॉइन। और तो और इसकी कोई भी मैक्सिमम सप्लाई नहीं है फॉर डोज थीम क्रिप्टो करेंसी के लिए। विद ओवर 129 बिलियन डोज जो है वो इसके सर्कुलेशन में है, यानी कि इसकी अगर सप्लाई की बात करें तो वो तो बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुकी है एज कंपैरिजन टू बिटकॉइन, जिसकी 21 मिलियन मैक्सिमम सप्लाई है। एंड इन एडिशन 10,000 डोज क्वाइन जो है वो एवरी मिनट में मिंट होते हैं। आप यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं डोज क्वाइन कितना पावरफुल है। डोज क्वाइन जो है ये एक प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी है, सो ये यूज करता है कंप्यूटिंग पावर को अपनी ब्लॉकचेन को सिक्योर रखने के लिए, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जिस तरह से बिटकॉइन रखता है। डोज जो है ये माइन होता है लाइट क्वाइन के साथ, जिसका मतलब है कि कोई भी जिसने लाइट क्वाइन या फिर डोज क्वाइन में माइन किया हुआ है वो चूज कर सकता है किसी भी अदर क्वाइन को माइन करने के लिए। इससे क्या होता है, ये अलाउ करता है आपके नेटवर्क को पावर करता है और ज्यादा स्टेबल बनाता है। अब उसके उल्ट बात करते हैं शिबा इनू की। तो शिबा इनू जो है ये एक टोकन है जो इथीरियम नेटवर्क के ऊपर बना है। फंजिबल टोकन्स जैसे कि शिबा इनू जो है ये एक ERC-20 टोकन्स है। तो जब से ये टोकन है ये पावर किया गया है इथीरियम के द्वारा, तो शिबा इनू जो है ये लीवरेज कर सकता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, जिससे आप डीफाई प्रोडक्ट्स यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को भी क्रिएट कर सकते हैं। शिबा इनू जो है ये एनएफटी के जो वर्ड है एनएफटी स्पेस में भी एंटर कर चुका है ऑलरेडी। शिबो शिस के साथ जो कि कलेक्शन है 10,000 एनएफटीज थीम्ड का, इसके पेट शिबा इनू से जो बनाया गया। अब ये एक और लिंक रखता है शिबा स्वैप, जो कि अलो करता है आपको, जिसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं अपने शिबा इनू टोकन्स को हाई रिटर्न्स के लिए विद अ वैरायटी ऑफ वेज के साथ। तो इसलिए ये कोस करता है टोकन की जो इन्फ्लेशन है ये उसको बढ़ा देता है, जिसके कारण जो प्राइस है वो डाउन होते देखे जाते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है हम कह सकते हैं इसके कोई क्लियर बेनिफिट्स नहीं है ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स जो भी स्पेस में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो अब ये तो हुई इन दोनों की बात, अब बात करते हैं दोनों में से किसे चूज किया जाना चाहिए। तो देखिए 2021 के एंड में एक एनालिसिस किया गया था, ओपिनियंस मांगे गए थे 1000 से भी ऊपर इन्वेस्टर्स के कि कौन सा क्वाइन बेस्ट है और किस क्वाइन की ज्यादा ग्रोथ जो है वो देखी जा सकती है 2022 तक। तो रिजल्ट जो आए थे वो कुछ इस तरह से थे कि डोज क्वाइन को मिले थे 57.9% बोला गया था कि हाई जाएगा, जबकि शिबा इनू को 42.1% बताया गया, यानी कि नियरली
5 रिस्पोंडेंट्स में से 3 रिस्पोंडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने डोज क्वाइन को ज्यादा अच्छा बताया, लार्ज परसेंटेज गेन बताया एज कंपेरिजन टू शिबाइनो 2022 के एंड में आते आते। और इतना ही नहीं, कंक्लूजन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वैसे डोज क्वाइन बेटर ऑप्शन है 2022 में। अब अगर हम 2022 की बात करें तो इसके जो प्राइसेस हैं वो भी आप देख सकते हैं, डोज क्वाइन के प्राइस काफी अच्छे जा रहे हैं, सर्ज होते दिखाई दिए हैं। एंड रिसेंटली अगर मैं डोज क्वाइन की बात करूं तो अभी एलोन मस्क के सिर्फ एक ट्वीट के बाद ही, सिर्फ ट्विटर को हायर करने के लिए इतनी ज्यादा डोज क्वाइन की, जो जैसे ही एलोन मस्क लाइमलाइट में आया था, थोड़ी सी न्यूज एलोन मस्क की आती है तो साथ ही डोज क्वाइन की जो प्राइस है वो सर्ज करने स्टार्ट कर देते हैं। तो शिबा इनू जो है ये भी अपनी जगह पे एक बेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, नो डाउट। लेकिन अगर दोनों के कंपैरिजन की मैं बात करूं तो डोज क्वाइन बेस्ट अपॉर्चुनिटी है 2022 की, अगर इसके प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। इसके अलावा आपको दोनों में से कौन सा क्वाइन पसंद है, शिबा इनू या फिर डोज क्वाइन, नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड टिल नेक्स्ट अपडेट।